वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है। हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे थे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, तो एक बुक कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, सेकंड बुक में आ जाते हैं ऑप्टिक्स। तो ये नई तरह के सवाल जो इस साल से इंट्रोड्यूस हुए सीबीएसई में, तो ए आर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑप्टिक्स। पहला क्वेश्चन है, द स्टार्स ट्विंकल व्हाइल द प्लैनेट्स डू नॉट। सही बात है, अभी रिसेंटली हमने देखा भी था वो शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह यानी सैटर्न माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट्स। सो कौन सा मार्स के बाद आता है माय वेरी वीनस, जस्ट स्लिप स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग। तो हिंदी में मुझे पता है, तो मैंने बताया बृहस्पति और शनि ग्रह। तो वो ट्विंकल नहीं कर रहे थे बच्चों, जो बहुत पास आ गए थे अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो वो टिमटिमा नहीं रहे थे, जबकि तारे जो है वो टिमटिमाते हैं। और एक अगर आपने देखा हो तो सूर्योदय के वक्त यानी सनराइज के समय और सनसेट के वक्त क्षितिज पर यानी हॉरिजन पर एक चमकता सा तारा नजर आता है और वो टिमटिमाता नहीं है, बिकॉज इट इज सैटेलाइट, तो सैटेलाइट नजर आता है वहां पर। तो सैटेलाइट भी नहीं टिमटिमाता और प्लैनेट भी नहीं टिमटिमाता, तो कौन टिमटिमाता है? स्टार्स, तारे टिमटिमाते। रीजन, द स्टार्स आर मच बिगर इन साइज देन द प्लैनेट्स। ये बात तो सही है कि स्टार्स प्लैनेट से बहुत बड़े हैं, पर ये जो कारण है ट्विंकलिंग का वो ये नहीं है। ट्विंकलिंग का रीजन है कि वो बहुत दूर है स्टार्स, तो बहुत कम रोशनी हम तक पहुंच पाती है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन की वजह से कभी हम तक पहुंचती, हमारी आंखों तक कभी नहीं पहुंचती है, इसलिए ट्विंकलिंग इफेक्ट आता है। दैट्स व्हाई आंसर इज बी, क्योंकि रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता। सॉल्यूशन भी दिया है इस बार यहाँ पे, स्टार्स ट्विंकल व्हाइल द प्लैनेट्स डू नॉट, इट इज ड्यू टू वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर एज द स्टार्स आर वेरी फार एंड गिविंग लाइट कंटिन्यूअसली टू अस, सो द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स इज फाउंड टू चेंज देयर इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली, hence they are seen twinkling. Also stars are much bigger in size than the planet, but it has nothing to deal with twinkling phenomena. Okay, next question. Assertion is the air bubble shines in water. पानी के अंदर हवा का बुलबुला है तो वो चमकता है, वो TIR की वजह से ऐसा होता है। Air bubble in water shines due to refraction of light. No, it is not refraction, it is TIR. So Shining of air bubble in water is on account of total internal reflection. That's my answer is C. क्योंकि second statement भी गलत है और उसका link भी नहीं है, इसलिए answer is C. Third question, double convex lens जिसका mu m 1.5 है, medium का refractive index यानी glass का है, उसकी focal length 10 centimeter है। When the lens is immersed in water, जब इसे हमने पानी में डुबो दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इट्स फोकल लेंथ बिकम्स 40 सेंटीमीटर। पानी में डुबोने पर बढ़ जाती है, नो डाउट। अब बढ़कर 40 हो जाएगी कि नहीं, वो न्यूमेरिकली हम सॉल्व करके इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और जब हम सॉल्व करते हैं तो जवाब सही आता है। रीजन जो दे रखा है वो यही फॉर्मूला है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो करेक्ट आंसर इज ए, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इमर्ज्ड इन वाटर इज 4 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कलर ऑफ ग्रीन फ्लावर सीन थ्रू रेड ग्लास अपीयर्स टू बी डार्क। सही बात है, रीजन क्या है इसका? और ऐसा अगर आपने देखा भी हो, सोडियम लैम्प जो येलो लाइट फेंकता है उसमें अगर हरे रंग की कार खड़ी है तो वो भी काली नजर आती है। बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, यहां की बात करें अगर, तो ग्रीन फ्लावर ग्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जब हम रेड ग्लास के थ्रू देखेंगे तो हम सिर्फ रेड रेड कलर वो ट्रांसमिट करता है। अब ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें रेड है ही नहीं, रेड है ही नहीं तो कैसे देखेगा, हमें डार्क दिखेगा। रीजन, रेड ग्लास ट्रांसमिट ओनली रेड लाइट, करेक्ट। दैट्स व्हाई आंसर इज सॉल्यूशन, द रेड ग्लास एब्जॉर्ब द रेडिएशन एमिटेड बाय ग्रीन फ्लावर, सो फ्लावर अपियर्स ब्लैक। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, द माइनर सॉरी द मिरर्स यूज्ड इन सर्च लाइट, सर्च लाइट में जो मिरर काम में आते हैं, आर पैराबोलिक एंड नॉट कॉनकेव स्फेरिकल। पर मैं आपको याद दिला दूं, 2021 के लिए ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है क्योंकि मिरर्स को हटा दिया गया सिलेबस।
रिफ्लेक्शन को भी हटा दिया गया सिलेबस से सीबीएसई के लिए। इन ए कॉनकेव स्फेरिकल मिरर इमेज फाउंड इज ऑलवेज वर्चुअल। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर तो ऑलवेज वर्चुअल, ये तो गलत है स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इट इज सी। और सर्च लाइट में जो होते हैं वो पैराबोलिक होते हैं, कॉनकेव स्फेरिकल नहीं होते हैं, ये बात सही है। वो स्फेरिकल एब्रेशन से बचने के लिए होते हैं। सॉल्यूशन इन सर्च लाइट वी नीड एन इंटेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इफ ए सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर ओनली पैराएक्सियल रेज आर रेंडर्ड पैरेलल ड्यू टू लार्ज अपर्चर ऑफ मिरर। मार्जिनल रेज जो दूर वाली रेज होती है गिव ए डाइवर्जेंट बीम, वो फैल जाएंगी तो पैरेलल नहीं मिलेगी, इसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट को स्फेरिकल एब्रेशन। बट इन केस ऑफ पैराबोलिक मिरर व्हेन सोर्स इज एट फोकस बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द मिरर इज ए पैरेलल बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन है, साइज ऑफ द मिरर अफेक्ट द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज, इमेज तो पूरी बनती है, मिरर छोटा हो या बड़ा हो डजंट मैटर, सो सीधी बनेगी अगर वो प्लेन मिरर है। रीजन इज स्मॉल मिरर्स ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट रेंडम है। द साइज ऑफ द मिरर्स डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ इमेज एक्सेप्ट दैट ए बिगर मिरर फॉर्म्स ए ब्राइटर इमेज, क्योंकि ज्यादा रेस को वो रिफ्लेक्ट कर पाता है। तो इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन हैवी से एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल, पर मैं 2021 के लिए आपको याद दिला दूं ये क्वेश्चन इरेलीवेंट हो गया है क्योंकि रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। तो बिल्कुल क्वेश्चन को हम हटा तो नहीं सकते हैं, बस हमें ध्यान रखना है, बार बार रिवाइज करते रहना है और अपने स्टडी टेबल के आगे वो जो डिलीटेड पोर्शन है उसको लगा लेना है। सिलेबस का डिलीटेड पोर्शन अगर आप लगा लेते हैं अपने स्टडी टेबल को, तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ क्या छोड़ना है। नेक्स्ट है असर्शन, विद इन ए ग्लास स्लैब ए डबल कॉन्वेक्स एयर बबल इज फॉर्म्ड। विद इन ए ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के अंदर डबल कॉन्वेक्स एयर बबल बन गया है, ठीक है, रेयर मीडियम रहेगा। दिस एयर बबल बिहेव लाइक ए कन्वर्जिंग लेंस, उल्टा है बच्चों, वो कन्वर्जिंग नहीं डाइवर्जिंग लेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर लेंस मेकर्स फॉर्मूला से हम देखेंगे तो लेंस के मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो शेप तो उसका कॉन्वेक्स होगा पर उसका बिहेवियर कॉनकेव लेंस जैसा होगा, नहीं डाइवर्जिंग लेंस जैसा। रीजन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज मोर देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये उल्टी बात है। That's my answer is D. Solution: the air bubble would behave as a diverging lens because a refractive index of air is less than refractive index of glass. However, the geometrical shape of the air bubble shall resemble a double convex lens. Next question number 8: the focal length of lens does not change when red light is replaced by blue light. ये बोल रहे हैं focal length पर फर्क नहीं पड़ता, पर focal length तो बदल जाती है क्योंकि focal length refractive index पर depend करती है और refractive index जो है lambda पर depend कर रहा है। तो रेड कलर की लाइट अगर आ रही है, रेड लाइट को हटाकर अगर ब्लू लाइट यूज कर रहे हैं, तो जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ लाइट यूज, ऐसा नहीं है। सो रीजन भी गलत है और असर्शन भी गलत है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड्स अपॉन इट्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1/f प्रोपोर्शनल म्यू माइनस 1, सिंस म्यू ब्लू इज ग्रेटर देन म्यू आर, सो एफ blue is less than fr, जैसे मैंने बोला focal length कम हो जाएगी, therefore the focal length of a lens decreases when red light is replaced by blue light. Next question है assertion, there is no dispersion of light refracted through a rectangular glass slab. बोल रहे हैं कि light जब glass slab से refract हो रही है तो उस phenomena में dispersion नहीं हो रहा है। Dispersion होने के लिए non-parallel surfaces required है, तो ग्लास स्लैब की कौन सी सर्फेसेज यूज की उस पर डिपेंड करता है। 90 डिग्री पर दो सर्फेस अगर उनको यूज किया है तो डिस्पर्शन हो सकता है, पर अगर दोनों पैरेलल साइड यूज कर रहे हैं, नॉन पैरेलल साइड वहां इन्वॉल्व नहीं है, तो बच्चों डिस्पर्शन नहीं होगा। डिस्पर्शन मतलब 7 कलर्स में स्प्लिट, यानी स्पेक्ट्रम वाला फिनोमिना नहीं होगा। रीजन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकता है, जब वो पैरेलल साइडेड सरफेस पर, यानी पैरेलल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट है और वहीं से इमर्जेंट है, और रीजन जो है वो अपने आप में एक करेक्ट स्टेटमेंट है, पर वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है।
रिफ्रैक्शन एट टू पैरेलल फेसेस ऑफ ए ग्लास स्लैब, रे ऑफ लाइट इमर्जेस इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ व्हाइट लाइट ऑन द स्लैब. एज रेज ऑफ ऑल कलर्स इमर्ज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ व्हाइट लाइट, हेंस देयर इज नो डिस्पर्शन बट ओनली लेटरल डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन, ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट गिव्स ए स्पेक्ट्रम ऑन पासिंग थ्रू ए हॉलो प्रिज्म. बच्चों हॉलो प्रिज्म कभी भी स्पेक्ट्रम नहीं बना सकता, ठीक है, हॉलो प्रिज्म स्पेक्ट्रम नहीं. ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इन क्वेश्चंस में तुम देखोगे तो रीजन है स्पीड ऑफ लाइट आउटसाइड द प्रिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड द प्रिज्म. ऐसा नहीं है, दोनों जगह आउटसाइड द प्रिज्म भी हवा है, इनसाइड द प्रिज्म भी हवा है, क्योंकि हॉलो प्रिज्म है तो दोनों जगह स्पीड सेम रहेगी. तो आंसर इज डी. सॉल्यूशन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैन नॉट अकर ऑन पासिंग थ्रू एयर कंटेंट इन ए हॉलो प्रिज्म. डिस्पर्शन टेक प्लेस बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फॉर डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट. देयरफॉर व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिमेन्स द सेम एंड नो डिस्पर्शन अकर्स. तो कोई विक्षेपण नहीं होगा, डिस्पर्शन यानी विक्षेपण. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, असर्शन, इफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंसेज ऑफ ए माइक्रोस्कोप आर इंटरचेंज. तो अगर आपने नेत्रिका और दृश्यक अभिदृश्यक लेंस को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, आंख की तरफ वाला लेंस और ना उल्टा देख रहे हैं, जैसा आप दूरबीन से कई बार करते भी हैं, देन इट कैन वर्क एज टेलीस्कोप. माइक्रोस्कोप में अगर इंटरचेंज कर दें तो वो टेलीस्कोप की तरह काम करने लगेगा. बहुत ही अजीब सी बात है, ऐसा नहीं है. रीजन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप हैज स्मॉल फोकल लेंथ. ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप हैज स्मॉल फोकल लेंथ, ये भी उल्टी बात है. ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप हैज लार्ज फोकल लेंथ व्हाइल दैट ऑफ माइक्रोस्कोप हैज स्मॉल फोकल लेंथ. तो करेक्ट आंसर डी हो गया. सॉल्यूशन, वी कैन नॉट इंटरचेंज द ऑब्जेक्टिव एंड आई lens of a microscope to make a telescope. The reason is that the focal length of lenses in microscope are very small. दोनों ही focal length small होती है, जबकि telescope में FO जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है. Of the order of millimeter or a few centimeter, and the difference FO and FE is very small. ये microscope में ऐसा होता है. While the telescope objective have a very large focal length as compared to eye lens of microscope. साथ साथ में आपको रिवाइज करा दूं, याद दिला दूं, बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आईपीस में से किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है. तो सही जवाब है आईपीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से ज्यादा होती है. ऐसा होता है माइक्रोस्कोप में, आईपीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से ज्यादा होती है. पर टेलीस्कोप में ठीक उल्टा होता है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आईपीस की फोकल लेंथ से ज्यादा होती है. टेलीस्कोप में तो बहुत ज्यादा होता है डिफरेंस, माइक्रोस्कोप में मामूली डिफरेंस होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ऑल्दो द सरफेसेस ऑफ ए गॉगल लेंस आर कर्व्ड. जो धूप वाला चश्मा होता है आपने पहना भी होगा, संक्रांत मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई होगी तो धूप में चश्मा पहना होगा पतंग उड़ाते वक्त, तो उसमें सर्फेसेस कैसी होती है, कर्व्ड होती है, हमें पता है. इट डज नॉट हैव एनी पावर, फिर भी उसकी पावर जीरो होती है. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इन केस ऑफ गॉगल्स बोथ द कर्व सर्फेसेस हैव इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर. सही बात है, करेक्ट आंसर ए. ठीक है, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, साथ ही साथ दोनों का कर्वेचर सेम साइड में होता है. दैट्स व्हाई कैंसलेशन हो जाता है. ये सॉल्यूशन यहाँ पर दिया लेंस मेकर्स फॉर्मूले से, इसलिए पावर आती है जीरो और फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट, इसलिए गॉगल्स में कोई पावर नहीं होती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन, इफ द एंगल्स ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म आर इक्वल, यानी आइसोसेलस हो गया, देन इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन. आइसोसेलस हो गया, बेस के दोनों एंगल इक्वल हैं, रिफ्रैक्टेड रे विल पास पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म. सही बात है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन कहते ही इसको है, सो स्टेटमेंट इज करेक्ट. रीजन, इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of emergence. ठीक है, इसीलिए parallel जाती है. So A is the answer. In case of minimum deviation, angle I equal to E, so R1 equal to R2. Question number 14 है assertion. An empty test tube, खाली परख नली आपके पास है, dipped into water, उसको आपने पानी में डुबो दिया, in a beaker appears silver. सही बात है, ये भी बार बार मैं सही बात बोल रहा हूँ, जैसे हाथी भाई जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है उसमें बोलते हैं, सही बात है. So,
एम्प्टी टेस्ट ट्यूब डिप्ड इनटू वाटर इन ए बीकर अपीयर्स सिल्वर, चमकती है क्यों? TIR की वजह से, व्हेन व्यूड फ्रॉम ए सूटेबल डायरेक्शन। तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, रीजन दिया है ड्यू टू रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट द सब्सटेंस इन वाटर अपीयर सिल्वरी, ये गलत है, रीजन गलत है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज सी। सॉल्यूशन में अगर हम समझें इसको, द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वाटर एयर इंटरफेस सफर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन दैट केस पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देयर फोर इफ द ट्यूब इज व्यूड फ्रॉम ए सुटेबल डायरेक्शन, सही दिशा से देखा जाए, सो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो आपतन कोण है वो बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ट्यूब अंडरगोस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, एज अ रिजल्ट द टेस्ट ट्यूब अपीयर्स एज हाईली पॉलिश्ड या सिल्वरी सरफेस नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 15 है असर्शन, स्फेरिकल एब्रेशन अकर इन लेंसेज ऑफ लार्जर अपर्चर, ये भी सही बात है, लार्जर अपर्चर जितने बड़े लेंस होंगे स्फेरिकल एब्रेशन होने के चांसेस उतने ज्यादा या ज्यादा मात्रा में होगा, रीजन द टू रेज पैराएक्सियल एंड मार्जिनल रेज फोकस एट डिफरेंट पॉइंट्स, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि मार्जिनल रेज दूर वाली रेज या वो रेज जो ज्यादा एंगल बना रही हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा बना रही हैं, वो तभी पॉसिबल होगा जब अपर्चर ज्यादा होगा। ए वाइड बीम ऑफ लाइट, द लाइट रेज ऑफ लाइट विच ट्रेवल क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड पैराएक्सियल रेज, व्हाइल द रेज विच ट्रेवल क्वाइट अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, जो बहुत दूर से आती हैं, मतलब दूर होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, आर कॉल्ड मार्जिनल रेज, इज नहीं होना चाहिए, आर कॉल्ड मार्जिनल रेज। इन केस ऑफ लेंस हैविंग लार्ज अपर्चर द बिहेवियर ऑफ द पैराएक्सियल एंड मार्जिनल रेज आर मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, द टू टाइप्स ऑफ रेज कम टू फोकस एट डिफरेंट पॉइंट्स, मार्जिनल रेज फोकस एक्चुअल फोकस से पहले फोकस हो जाती है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, दस द स्फेरिकल एब्रेशन अकर, तो स्फेरिकल एब्रेशन की घटना को पूरा यहाँ पे समझा दिया गया है। हाउएवर इन केस ऑफ ए लेंस विद स्मॉल अपर्चर, अगर अपर्चर छोटा है, द टू टाइप्स ऑफ रेज कम टू फोकस क्वाइट क्लोज टू इच अदर, तो उसमें स्फेरिकल एब्रेशन कम होगा, एब्रेशन कम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, frequencies of incident, reflected and refracted beam of monochromatic light incident from one medium to another are same, जो आवृत्ति है वो समान रहती है आपतित किरण परावर्तित किरण और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो जा रही है और अपवर्तित किरण तीनों की, तो सॉल्ड एग्जांपल है एनसीईआरटी का, सही बात है, समान रहती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंजेस, जो चेंज होता है वो वेवलेंथ चेंज होती है, वो भी किसकी, रिफ्रैक्टेड रहेगी अपवर्तित किरण की। रीजन दिया था इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर कोप्लानर, ये रीजन नहीं है, ठीक है, कोप्लानर होती है दैट इज ट्रू, पर रीजन ये नहीं है, रीजन कुछ और है कि मीडियम के पार्टिकल उसी फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे जिस फ्रिक्वेंसी की वेव इंसिडेंट है, और फिर इसी वजह से जो रिफ्रैक्टेड है और जो रिफ्लेक्टेड है उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी। बोथ सॉल्यूशन है, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ओके एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं दिया। नेक्स्ट है 17, असर्शन है बाय रफनिंग द सरफेस ऑफ ग्लास शीट, ग्लास शीट की सरफेस को आपने रफ कर दिया रगड़ के, इट्स ट्रांसपेरेंसी कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है ओपेक हो जाएगी वो, रीजन ग्लास शीट विद रफ सरफेस एब्जॉर्ब मोर लाइट, ये रीजन नहीं है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन करेगी, व्हेन ग्लास सरफेस इज मेड रफ देन द लाइट फॉलिंग ऑन इट इज स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू विच इट्स ट्रांसपेरेंसी डिक्रीजेस, तो ऐसा हो जाता है, जो अगर आपने गौर किया तो अगर हमें बाथरूम में टॉयलेट्स में ग्लास विंडो लगानी है तो ग्लास कौन से यूज करेंगे, स्पेशल ग्लासेस आते हैं जिसमें आर पार नहीं दिखता, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। सो ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है आपके, रिफ्लेक्टिंग अगर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो, और रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे तो आपसे पूछा जा सकता। नेक्स्ट है 18th, सर्शन है डायमंड ग्लिटर्स ब्रिलियंटली, TIR की वजह से ऐसा होता है, डायमंड डज नॉट एब्जॉर्ब सनलाइट, ऐसा नहीं है, डायमंड डज नॉट एब्जॉर्ब सनलाइट, एब्जॉर्ब नहीं करता, इसका मतलब आपस में लिंक नहीं है, मैं इसमें आंसर डज नॉट एब्जॉर्ब सनलाइट, लाइट एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करता होगा ऐसा कहना तो मुश्किल है, तो मैं सी ऑप्शन को ज्यादा अच्छा मानूंगा इसमें जो लैंग्वेज दी है।
डायमंड ग्लिटर्स ब्रिलियंटली बिकॉज लाइट एंटर्स इन डायमंड सपोर्टिंग आईआर ऑल द लाइट एंटरिंग इन इट कम्स आउट ऑफ डायमंड आफ्टर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड नो लाइट इज एब्जॉर्ब बाय इट। ठीक है, इस रेफरेंस में अगर हम बात कर रहे हैं, टीआईआर की बात कर रहे हैं, टीआईआर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अब्सॉर्ब नहीं कर रहा, बाकी 100% रिफ्लेक्शन तो नहीं होता है, है ना, कुछ एब्जॉर्प्शन तो होता है। ठीक है, हम बी बना लेते हैं इस रेफरेंस में जा। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, द क्लाउड इन द स्काई जनरली अपीयर्स टू बी व्हाइटिश, स्कैटरिंग पर बेस्ड है, स्कैटरिंग इस साल 2021 में नहीं है आपके सिलेबस में, तो स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है वैसे तो क्लाउड जो है वो सफेद दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें रेली का स्कैटरिंग क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता, सभी वेवलेंथ इक्वली स्कैटर हो जाती है, मिलकर व्हाइट बना देती है वापस। डिफ्रेक्शन ड्यू टू क्लाउड इज एफिशिएंट इन इक्वल मेजर एट ऑल वेवलेंथ्स, डिफ्रेक्शन नहीं है, स्कैटरिंग है, दैट्स व्हाई आंसर इज सी। द क्लाउड्स कंसिस्ट ऑफ डस्ट पार्टिकल वाटर ड्रॉपलेट्स, देयर साइज इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट फ्रॉम द सन, so there is very little scattering of light, hence the light which we receive through the clouds has all the colors, sare ke sare colors usme maujood, sare wavelength maujood, sab milkar wapas bana dengi safed, as a result of this we receive almost white light, therefore the cloud are generally white। so ray optics ke humne 19 sawal kiye ar based, iske baad aate hain case study based questions, so I think इस वीडियो में इतना काफी है बच्चों, फिर मिलते हैं जल्दी ही, टिल देन हैप्पी लर्निंग।